टाइम की वैल्यू हम सबको समझ आती है कि हाँ टाइम एक बार हाथ से निकल गया तो वो दोबारा नहीं आया, फिर भी हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। उसके पीछे वजह क्या है, व्हाट इज द रीजन? पैसे की वैल्यू हम सबको पता है, वो किसी को भी सिखाने की जरूरत नहीं। टाइम की वैल्यू हमको पता ही नहीं, क्यों नहीं पता है? क्योंकि हमारी विजन बहुत ही शॉर्ट टर्म है। अगर विजन लॉन्ग टर्म हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे लिए टाइम की क्या वैल्यू। जैसे आज अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज एक्चुअल में अभी स्टेज में आपके लिए टाइम की क्या वैल्यू? कुछ भी नहीं है। अगर टाइम वेस्ट करते भी हो तो क्या हो जाए? अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो क्या लॉस हो रहा है अगर आप अपना टाइम खराब करते हो? ज्यादा से ज्यादा एग्जाम नंबर कम आ जाएंगे, बस खत्म। अगर मैं अगले एक दो साल, तीन साल या चार साल तक की बात करूंगा, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं चला जाएगा ना हमारा। लेकिन अगर इसी विजन को हम लॉन्ग टर्म करते कि आज जो आप टाइम खराब कर रहे हो उसकी वजह से अगले 10 साल में या 20 साल में आपको कितने का नुकसान होगा? रियलिटी क्या है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उसमें से 90% अपने हाथ ऊपर करे थे तो 1 लाख रुपए कमा रहे होंगे। रियलिटी क्या है, 10-20% ऐसे लोग होंगे जिनका ड्रीम अचीव होगा, ड्रीम पूरा होगा, बाकी का सपना ही रहेगा। जो डिजर्व करेगा वो आएगा। अब डिजर्विंग कैसे बनते हो? क्या एकदम से बन जाते हो, ओवरनाइट बन जाते हो कि रात को सोए और सुबह उठे एकदम से डिजर्विंग हो? कि अगले 10 साल में जो आप करने वाले हो वो डिसाइड करेगा कि आप डिजर्विंग हो या नहीं। क्या करने वाले हो मतलब अपने टाइम को कैसे यूज करते हो? कि अगले 10 साल में आप अपना जो टाइम है जो लिमिटेड है आपके पास, जो 10 साल है, ये एक तरीके से क्या हुआ? जैसे बिजनेस करते हैं तो एक अमाउंट होती है, एक कैपिटल होता है जिससे हम बिजनेस को शुरू करते हैं, तो एक कैपिटल हो गया। इसको कैसे इन्वेस्ट करते हो, कहां इन्वेस्ट करते हो? स्मार्टली करते हो, वाइजली करते हो, या बेवकूफों की तरह करते हो, या इसको वेस्ट करते हो? समझना ध्यान से, ऐसे बिजनेस में नहीं होता कि जो कैपिटल है उसको अगर ढंग से समझदारी से इन्वेस्ट किया जाए, प्रॉपर ब्रेकडाउन करके इतना पैसा इसमें लगाना है, इतना प्रोडक्ट में लगाना है, इतना मार्केटिंग में लगाना है, इतना डिस्ट्रीब्यूशन में लगाना है, अगर वो बंदा ढंग से प्लानिंग के साथ प्रॉपरली इन्वेस्ट करे, स्मार्टली इन्वेस्ट करे, तो चांसेस है कि जो उसकी कैपिटल है वो 10 गुना भी हो सकती है, 100 गुना भी हो सकती है, 1000 गुना भी हो सकती है। और अगर वो बेवकूफों की तरह इन्वेस्ट करे या उसको वेस्ट कर दे, पता लगा बिजनेस की कैपिटल उसने अलग करी थी और उससे अपनी अय्याशी पर, तो क्या होगा? 0। ऐसे ही टाइम के साथ कि जो 10 साल है ये आपकी कैपिटल हो गई, इसको आप कैसे इन्वेस्ट करने वाले हो, इसको आप कैसे यूज करने वाले, ये डिसाइड करेगा कि आप उस 20% में आओगे या नहीं आओगे। जिसने भी लाइफ में कुछ भी ढंग का किया है उसको ये कैलकुलेशन समझ आता है। वो क्या है? उसके लिए टाइम की वैल्यू पैसे की वैल्यू से बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर पैसा चला भी जाता है तो टाइम से आप वापस से पैसे को अर्न कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम चला गया तो कितना भी पैसा खर्च कर लो, जो टाइम गया सो गया, वो वापस नहीं आने वाला। तो अब कैलकुलेट करो कि एग्जैक्टली आपके टाइम की क्या वैल्यू है आज की डेट में, बेस्ड अपॉन कि फ्यूचर में आप कहां पे हो। लाख रुपए महीना हो गया जिसके लिए आप मानो आप महीने में 25 दिन काम करने वाले, 4-5 दिन छुट्टी होती है, तो एक दिन की आपकी कितनी वैल्यू हो गई? 4000 रुपए हो गई। दिन में 8 घंटे आप काम करने वाले, 1 घंटे की कितनी वैल्यू हो गई? 500 रुपए। तो आपको ये फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आज की डेट में आपके जो टाइम की वैल्यू है वो 500 रुपए घंटा। क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो ये सब जो हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ये जो लाख रुपए महीने की बातें हैं, ये सब हवा में है। एक्चुअल में आप वहां कभी पहुंच ही नहीं पाओ अगर अपने टाइम को आज आप नहीं इस तरह से देख पा रहे हो। और ये मैं बात कर रहा हूँ ऑन अ मोस्ट कंजर्वेटिव बेसिस, इन द सेंस कि मैं कह रहा हूँ 500 रुपए घंटा आज की डेट में आपकी टाइम की वैल्यू है। लेकिन अगर आप सोचो अपने टाइम को इस तरह से नहीं यूज करते, यानी इतने कैपेबल नहीं बनते कि आपको लाख रुपए महीना आ सके, तो अगर आप पूरी लाइफ की कैलकुलेशन करो तो आपको कितने का नुकसान हो रहा है? क्या सिर्फ लाख रुपए महीने का हो रहा है? करोड़ों का नुकसान हो रहा है। क्योंकि आज जो आप इन्वेस्ट करोगे वही डिसाइड करेगा कि तब ये रिटर्न आएगी या नहीं आएगी। तो 500 रुपए घंटा आज की डेट में आपके टाइम की वैल्यू है, 1 दिन की वैल्यू आज की डेट में आपकी 4000 रुपए की। अगर इस तरह से आप सोचने लग जाओ और इसको लिख करके लगा दो अपने घर में कहीं पे, अलमीरा के अंदर, यहाँ वहाँ, ये वो, कि दिस इज द वैल्यू ऑफ माय टाइम। कि अगर मैंने एक पूरा दिन आज वेस्ट किया अपना तो मेरा कितने का नुकसान हो गया? 4000। इस तरह से अगर आप देखने लग जाओ ना तो अंदर से एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाती है लाइफ में, चीजें प्रोक्रास्टिनेट होनी बंद हो जाती, कल पे डालना बिल्कुल बंद हो जाए,
कल पे आप डाल ही नहीं सकते क्योंकि आपको एक्चुअल में समझ आ रहा है मेरे टाइम की क्या वैल्यू। मैंने अपने पहले भी सेशन में ये बात बोली थी, आज दोबारा से बोली क्योंकि ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% से ज्यादा लोग लाइफ में इसलिए नहीं फेल होते हैं कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं।